हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, द शील्ड जम्मू एंड कश्मीर नीड्स, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, चलिए देखते हैं। द नेशन कंटिन्यूज टू मर्न द किलिंग ऑफ द ब्रेव यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स इन द इनकाउंटर ऑफ द टू लश्कर ए तैयबा LET टेररिस्ट नियर द विलेज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ कश्मीर इन द सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, द ज्वाइंट कंटिंजेंट ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस वॉज इन हॉट परस्यूट ऑफ टेररिस्ट इन अ डीप फॉरेस्ट एरिया ऑन अ क्लिफ व्हेन दे वर एम्ब्यूश्ड और ट्रैप्ड बाय देयर असेलियंस। द सर्च ऑपरेशन फॉर द लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट वॉज अपेरेंटली लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस इनपुट। सिंस इट वॉज ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ द आर्मी एंड पुलिस, इट्स नॉट नोन हु प्रोवाइडेड दिस इनपुट। तो ये किसने प्रोवाइड किया, आर्मी ने या पुलिस ने, ये हमें नहीं पता अभी। हैविंग डेल्ट विथ मिलिटेंसी ऑन द ग्राउंड इन कश्मीर एंड रिमोटली फ्रॉम दिल्ली फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA एंड MHA फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, आई हैव फेयर आइडिया ऑफ द चैलेंजेस ऑफ कंडक्टिंग एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन अ डीप फॉरेस्ट माउंटेनियस टेरेन। टू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट गाइड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस। तो टेक्निकल में आप देखिए ह्यूमेंट और टेकिंट आते हैं। टेकिंट इज अ फर्दर सब डिवाइडेड इन टू कम्युनिकेशन कोमिट एंड इमेज इंटेलिजेंस इमेंट, वाइल ह्यूमेंट इनपुट्स नीड टू बी एनालाइज वेरी कॉशियसली बिफोर बींग एक्टेड अपॉन, क्योंकि यहाँ पे आदमी इन्वॉल्व होते हैं। टेकिंट इनपुट आर मोर रिलायबल एंड प्रिसाइज, वी आर नॉट श्योर वॉट इंटेलिजेंस इनपुट प्रॉम्प्टेड द इंडियन आर्मी पुलिस contingent to get on the trail in the two Lashkar e Taiba terrorist. My guess it was the Humint. Humint, आप देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया एक Humint होता है Humint, और आपका दूसरे क्या होते हैं टेकेंट। ठीक है, अब टेकेंट में भी दो तरह का इन्होंने बताया। अब देखिए टेकेंट में दो सब डिविजन क्या है, कॉमेंट है और इमेंट है। इमेंट कमेंट, तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ये इसमें पिक्चर है, और आप देखिए कमेंट में क्या है आपका कम्युनिकेशन। तो ह्यूमन है तो ह्यूमन तो धोखा दे ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, तो इसीलिए बोला इन्होंने कि इसको रिलायबल नहीं है। अभी जो हुआ हादसा, तो ये इसको बोल रहे हैं कि ह्यूमेंट वाले हो सकता है किसी आदमी का कोई हो, इसलिए ये रिलायबल नहीं रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लश्कर ए तैयबा ने हमारे दो सिपाहियों को मारा है। आर्मी यूनिट डिप्लॉयड इन द कश्मीर वैली हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिलायबल ह्यूमेंट फॉर ऑब्वियस रीजन्स, दे कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड लैक नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इथोस एंड ट्रेन। द लोकल पुलिस द सिविल थानाज द स्टेट पुलिस ब्रांच CID इज बेटर प्लेस्ड इन अ टेरेन लाइक कश्मीर, इट्स नॉट ईजी टू रेज रिलायबल ह्यूमन इंटेलिजेंस असर्ट्स, देर इज अ रिस्क ऑफ सोर्सेज प्लेइंग अ डबल रोल टू सर्व देयर मास्टर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मनी एंड रिलीजन हैव अ की रोल। यहाँ पे लोग पैसे के लिए और रिलीजन के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब रिलीजन की बात आ रही है तो आप साफ जानिए यहाँ पे इस्लाम की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम खल्ला खराब है, पर यहाँ पे मोस्टली इस्लामिक टेररिस्ट मिलते हैं। इट इज़ फॉर द आर्मी कमांडर टू लीड फ्रॉम द फ्रंट इन अ वॉर सिचुएशन, बट इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इट इज़ वाइजर टू डिवाइड द फोर्स एंड यूज स्मॉलर कंटिंजेंट्स फॉर अ कमांडर टू कीप वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। It is also not clear whether the army officer and policemen were shielded by bulletproof vests. क्या उनके पास bulletproof vests थे? The army, I am sure, will conduct an inquiry. Army तो inquiry निकालेगी. All this is not meant to belittle the courage shown by the army battalion commanders. I salute the valor of the officer who laid down their life to defend our integrity. तो ये salute कर रहे हैं अपने army को और उनके officers को, जो अपने जान से बढ़ के अपने देश की इंटीग्रिटी को डिफेंड करते हैं। लेट अस टर्न टू अनदर वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिस्ट वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या है टेररिस्ट वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर? इट इज़ बीइंग ड्रिवन गाइडेड एंड फाइनेंस्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय पाकिस्तान आर्मी एंड ISI एट वेरी लिटिल कॉस्ट। दे हैव स्ट्रक वेरी बोल्ड अटैक इन द पास्ट नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री including parliament and the commercial capital Mumbai. They are known to motivate, train and infiltrate
suicide squad with the help of espionage network hiding in our country. They also pay these suicide squads handsomely. The Pakistan army and the government are today under tremendous pressure because of the perilous state of the country's economy, which is being sustained by the IMF and the Chinese loan. तो पहले तो पैसा दे देते थे भिखारी शुरू से थे पाकिस्तान वाले, अब भिखारियों का कटोरा भी छिन गया है, तो IMF और चाइना इनको लोन दे रहा है और वो भी बहुत कॉशन होकर दे रहा है कि पता नहीं भिखारी फिर कब आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा इन लोगों के लिए ऐसा मिशन को सस्टेन करना थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है। व्हाइल आई शेयर द एंग्विश ऑफ द फेलो कंट्रीमैन ओवर द ट्रेजेडी आई डू नॉट सब्सक्राइब टू द जिंगोस्टिक कॉल टू स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। स्पोर्ट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम आर एनिमोसिटी अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी एंड द गवर्नमेंट। आई एम ऑल्सो नॉट एन एडवोकेट ऑफ लॉन्चिंग एयर एंड नेवल अटैक ऑन पाकिस्तान। रिमोटली गाइडेड रॉकेट लॉन्चिंग अनआर्म एयर व्हीकल UAVs इज एन ऑप्शन वर्थ कंसिडरिंग वेन लश्कर ए तैयबा स्ट्राइक इन साइड अ टेरिटरी। तो बोल रहे हैं भाई अनआर्म्ड मिशन करो ना यहाँ पे, मतलब कोई आदमी की जान ना जाए वैसा कुछ करो, रॉकेट लॉन्च करो कि दूर से गाइडेड रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, आदमी को भेज के क्यों हम लोग जान अपना वहाँ पे अपने सिपाहियों की जान को खतरे में डाले। खैर जाएंगे तो भाई जीत ही जाएंगे हम पाकिस्तान भी, खैर देखते हैं। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जान क्यों गवाएं, अनिल चौधरी इनका नाम है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बस यही है कि जान क्यों गवाएं। अमेरिका सीन टू बी लुकिंग द इंडिया वे इन द रिसेंट पास्ट, दिस हैज फोर्स द पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन टू टर्न टू चाइना। इट वुड हाउएवर बी नीदर प्रूडेंट नॉर रियलिस्टिक टू लुक टू फॉरेन पावर टू रिजॉल्व आवर नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इट वुड ऑल्सो बी ए नाइव टू बिलीव दैट पाकिस्तान विल गिव अप मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड रिस्टोर पीस इफ यू टॉक विद दम। क्योंकि कुत्ते की पूछ सीधी नहीं हो सकती, यहाँ पे सिंपल सी बात यही है। पाकिस्तान आप देखो जैसा ये इसका मैप होता है ना, ये है भी यहाँ पे कुत्ते की तरह दिखते, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ किधर गया, ये दिख रहा है, ये अपना पाकिस्तान है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप देखो कुत्ता बैठा है, यहाँ पे उसका पैर डाल दो, यहाँ पे पूंछ डाल दो, कान हो गया, लग नहीं रहा कुत्ता भौंक रहा। तो ये रहा आपका पाकिस्तान का लोकेशन, ये तो खैर इंडिया वाला पार्ट है और ये पाकिस्तान है अपना, देख लो। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि भाई वो लोग तो यहाँ पे रुकने नहीं वाले, वो लोग कितने ही बात कर लो कुछ कर लो ये तो अपना अटैक करेंगे ही। वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। पाक ISI स्लीपर सेल स्प्रेड ऑल आवर कंट्री मस्ट बी डिटेक्टेड एंड न्यूट्रलाइज। तो ये जो स्लीपर सेल है इसको डिटेक्ट करो न्यूट्रलाइज करो। दिस इज ईजियर सेड डन बट पेशेंस एंड परसिवरेंस शुड बी द नेम ऑफ दिस गेम। तो पेशेंटली ही होगा, तुरंत चाहो कि भाई आज बात हो गई कल खत्म कर दो तो ऐसा नहीं होगा। वी मस्ट ऑल्सो डी रेडिकलाइज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम यूथ बाय रिलीजिंग देम फ्रॉम द स्ट्रेंग होल्ड ऑफ मुल्लाज इन मदरसाज एंड मॉस्क एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू स्कूलिंग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे यूथ हैं मुस्लिम भाई बहन हैं अपने, उन लोगों को कैसे रेडिकलाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कौन कर रहा है, उनके मदरसा में उनके मुल्लास कर रहे हैं। मुल्लास वहाँ पे मदरसा के टीचर को बोला जाता है, कोई स्लैंग लैंग्वेज नहीं है ये। तो ये बात हो गई, उनको स्कूलिंग प्रोवाइड करो, उनको अच्छी चीज़ें पढ़ाओ, अच्छा माइंड फीड करो। अब तुम बचपन से ही बताओगे हिंदू गंदे हैं क्रिश्चियन गंदे हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपको अब जैसे यहाँ पे इजरायली गंदे हैं ज्यूज गंदे हैं ऐसा नहीं भाई, कुछ अलग चीज़ पढ़ाओ ना, लड़ाई तो भाई तब से चलते ही आ रहा है, तो स्कूलिंग करवाओ, मदरसा से दूर रखो, सिंपल सी बात यह है। क्योंकि अपने मुस्लिम यूथ हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज बट वी मस्ट मेक अ बिगनिंग एंड नो बेटर प्लेस टू स्टार्ट देन द कश्मीर वैली वेयर द पियर मुरीदी सूफी फ्रॉम फॉर्म ऑफ इस्लाम हैज बीन बरीड अंडर द वेट ऑफ द वहाबी सेक्ट फाइनेंस्ड फ्रॉम ओवरसीज। तो ये वहाबी सेक्ट को बाहर से फाइनेंस किया जा रहा है और यहाँ का जो सूफी फॉर्म ऑफ इस्लाम था पीर मुरीदी उसको वहाबी ने दबा दिया, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है। वी मस्ट रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट सच टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ट्राई आवर बेस्ट टू विन द हार्ट एंड ट्रस्ट ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम्स हु स्टैंड टू गेन फ्रॉम एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टूरिस्ट इन फ्लो इन टू द कश्मीर वैली। वी मस्ट मेक देम रियलाइज दैट द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वायलेंस इन देयर होम ग्राउंड इज कॉस्टिंग
them dearly. We should offer more career options outside Jammu and Kashmir for Kashmiri Muslim youth willing to leave their home to earn livelihood. तो देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड. सबसे पहला इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान. ये क्या है? भिखारी और कुत्ते की पूंछ. ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है. ये हो गया. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर प्लस लश्कर ए तैयबा, ठीक है. क्या है इसका हिस्ट्री, क्या है हमें जानना चाहिए, प्लस कश्मीर वैली, ठीक है. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. थर्ड, आप देखिए कहीं भी जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पे इंटेलिजेंस मिलती है, इनपुट मिलती है, दो टाइप की होती है, ठीक है. एक आपकी होती है यूमेंट प्लस टेकेंट. टेकेंट आपकी दो टाइप की होती है, इमेंट इमेज और कमेंट कम्युनिकेशन. तो ये थोड़ा सा रिलायबल कम है, ये थोड़ा सा रिलायबल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है. फोर्थ, स्लीपर सेल्स इन इंडिया, ठीक है. फिफ्थ, यंग मुस्लिम यूथ. देखो एक चीज़ है, 19% यहाँ पे मुस्लिम्स हैं हमारे देश में. आप इनको माइनॉरिटी बोल सकते हैं, मैं नियरली 1/5 अगर ये हैं तो मैं इनको माइनॉरिटी तो नहीं बोल रहा हूँ. तो आप देखिए माइनॉरिटी नहीं है, इनका हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल हो सकता है अगर इनको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज़ करें. नहीं, अगर इनको हम लोग मुल्ला के पास छोड़ दें, कहाँ पे? मदरसा में, जहाँ पे इनको ये रेडिकलाइज करे, तो ये हमारे लिए थ्रेट बनेंगे. देखिए कोई भी जो यूथ होता है ना, वो बहुत फ्रेजाइल होता है, उसको हम लोग जो फीड करेंगे, इसीलिए बोला जाता है फीड गुड. तो इन चीज़ों को इग्नोर करो, उसको अच्छा फीड करो, उसकी स्कूलिंग कराओ, ठीक है. उनको अगर कमाना है, पैसे रुपए कमाने, उनको अपॉर्चुनिटी दो. अब इसमें अपॉर्चुनिटी भी दो साइड, इनसाइड कश्मीर, आउटसाइड कश्मीर, ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये ऑर्थोडॉक्सी है उनकी, ये लोग ख़राब कर रहे हैं कहीं ना कहीं. और इसमें भी सब नहीं, कुछ कुछ लोग हैं जो ख़राब कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए पीर मुरीदी वर्सेस वहाबी ये चल रहा है, ठीक है. ये बाहर से इसको स्टेट फाइनेंस कर रहा है, ओवरसी फाइनेंस हो रहा है ये, देखिए हमने कहा. तो जैसे पीर मुरीदी है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए. तो यही इस आर्टिकल में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.